नमस्ते जी, नमस्ते। होप यू डूइंग वेल। आज एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है अनहद। अब ये अनहद आपने काफ़ी बार ये नाम ज़रूर सुना होगा। पंजाबियों में तो खैर बहुत फ्रीक्वेंट नाम है। वैसे भी अगर आप शास्त्र भी टटोलें तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बारी समझ में आएगा, और इसका कनेक्शन है ओम से। ओम को ही अनहद नाद कहा जाता है। अनहद का मतलब है समथिंग विच इज़ अनस्ट्रक। अनस्ट्रक से भी एक साउंड निकलती है। अब खैर, लेट्स फर्स्ट गेट इनटू द बेसिक्स। Everything is sound. How is everything sound? Now everything has its own unique sound. यहाँ पे टेबल है, डिफरेंट टाइप की लक्कड़ है। यहाँ पे एक पोडियम है जो कि कैमरा में नहीं आ रहा है इस टाइम। फोन पे लेट अस से कवर के साथ। साउंड इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन टू थिंग्स स्ट्राइक। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्शन होगा। यू हैव टू स्ट्राइक something, then only can a sound be produced. How is my sound being produced right now? Because tongue and then the palate, then the vocal cord, etc. It's all combining to give you one sound. Sound अलग अलग, और हर चीज अलग है क्योंकि हर किसी की अपनी एक sound है. Let me hit it on दीवार. Sound, right? This is the only sound that is arising out on its own. Where is it arising out? तो ये बार बार ओम 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 रटने से कुछ नहीं है। This sound is yours. Everything contains this basic root. This sound is the source pretty much of everything. So it goes something like ओम, जो कि monks mostly recite out या prefer कर रहे हैं। तो उसको वो ओम 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 बोल ऐसे नहीं होगा, वो तो कोई बकरे थोड़े ना हैं। ये चीज़ रियलाइज होती है इन द डीपेस्ट स्टेट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आई डोंट लाइक टू यूज़ द वर्ड मेडिटेशन क्योंकि आजकल उसकी डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। कॉन्सेंट्रेशन, डीपेस्ट स्टेट। सो व्हेन यू सिटिंग देयर विद कंप्लीट मौन आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, 12 to 15 years, टिपिकली स्पीकिंग, with 4 to 5 hours of concentrating and going within, you will find ki ye sound yahan se hai, yahan pe, somewhere around this area, you will find something like that. And this is the root sound which doesn't need any striking, which doesn't need any action. It exists all by itself. And why is this concept so concrete? You will find it across every saint, जो हिंदुस्तान से आध्यात्मिक और यू कैन से सिस्टम्स ऑफ फाइंडिंग योर सेल्फ से पैदा हुआ है, वो सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। कोई इसको एक ओंकार कह देता है, कोई कह देते हैं जी सबका मालिक एक, कहीं जगह जाके कह देते हैं जी सारा कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे इस ही साउंड पे टिका है। और ये साउंड अनहद है, इट इज स्वयंभू, खुद ही ये है। इसको ना किसी ने जन्म दिया है, जब किसी ने जन्म नहीं दिया तो किसी की इसकी मृत्यु नहीं हो सकती क्योंकि जन्म के साथ ही मृत्यु आएगी। तो ये है कॉन्सेप्ट अनहद का, एंड दिस इज द बेसिक बेसिक फाउंडेशन ऑफ अ लॉट ऑफ लॉट मैनी तंत्र शास्त्र एंड अ लॉट ऑफ सिक्खी एज वेल। पंचे शब्द अनाहद बाजे, ऐसे कुछ लाइनें हैं। अगर अनहद समझ में आया है और ओम का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो काफ़ी चीज़ें, दिस इज़ लाइक वन डॉट। सो इन हिंदुस्तान की स्पिरिचुअलिटी जो कि ईस्ट की आध्यात्मिक चीज़ है, मैं कोई गुरु वुरु नहीं हूँ, मुझे कख नहीं आता इन लाइनों का, बट जो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो जो तजुर्बे से मुझे समझ में आया, आई थॉट आई विल जस्ट पास इट टू माय यंगर सेल्फ बिकॉज ऑन दिस चैनल आई कीप ऑन टॉकिंग टू माय यंगर सेल्फ। तो यहाँ पे हिंदुस्तान की जो आध्यात्मिक फिलॉसफी है या जो कुछ भी है वो काफ़ी यहाँ पे जो टिकी हुई है, जो कोर जो फंडा है वो साउंड का है। बिकॉज वी बिलीव दैट एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट साउंड एंड लाइट। अब हिंदुस्तान की जो काफ़ी ज़्यादा फंडे हैं वो प्राइमरली दो हैं जिसके ऊपर सारी की सारी लड़ाई चलती रहती है। वन इज वैदिक, वन इज तांत्रिक। अब तांत्रिक से सीधा सीधा सबको काला जादू टोना वोना याद करा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं।
तंत्र जैसे स्वतंत्रता, तो उसमें भी वर्ड है तंत्र, हर जगह तंत्र है, ठीक है जी। तो तंत्र का शायद मतलब शायद वो उन घटिया चीजों में ना हो कि अरे बाप रे ये तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, नहीं तंत्र का शायद कुछ और मतलब। ओम का अगर फंडा समझ में आए तो ओम इज द सोर्स प्रीटी मच ऑफ एवरीथिंग, इट इज द रूट साउंड, जस्ट दैट कि हम लोग उसे सुन नहीं सकते बाय आर नॉर्मल सेंसरी ऑर्गन्स। आप कहेंगे ये कैसी बात है, ऐसे एक बात समझिए, इस टाइम पे जब आप ये सब सुन रहे हैं, इस टाइम पे भी इसी कमरे में FM सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM, अगर 98.3 की ट्यूनिंग कर दी जाए तो इस टाइम पे रेडियो मिर्ची या 93.5 पे रेड FM बजेगा। जस्ट बिकॉज मेरे पास कोई FM का कोई यंत्र नहीं है डजंट मीन कि FM डज नॉट एग्जिस्ट। FM एग्जिस्ट विदाउट अ प्रॉपर मॉड्यूलेटेड डिवाइस, आई कैन नॉट प्रूव दैट FM एग्जिस्ट, तो दैट डज नॉट मीन दैट FM इज नॉट एग्जिस्टिंग। ऐसे ही जो कोर कॉन्सेप्ट है, अगर हमारी सेंसरी ऑर्गन, या अगर हम इफ ट्रैवल वे डीप इन साइड आर सेल्स, टेक्स 12 15 इयर्स, दिस इज नॉट अ वन डे गेम कि आप एक दिन बैठना शुरू करें और उसके बाद काम आपका हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। दिस इज जस्ट लाइक यू कैन से यूनिवर्सिटी सिस्टम, यू स्टार्ट आउट फ्रॉम नर्सरी, यू स्पेंड 12 ईयर्स इन स्कूल, देन यू डू योर 3 ईयर ग्रैड, एंड देन इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी, एंड द चांसेज ऑफ फेलिंग एंड देन रिपीटिंग क्लासेज अगेन दे कीप ऑन गोइंग अप, इट्स एन एंटायर सिस्टम। तो ज़्यादातर हम लोग यही लड़ाई करते रहते हैं कि जी ओ जी ये जी कॉन्सेप्ट, यहाँ पे तो आप शिव जी को ये सामान चढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आप उनको ऐसे देख रहे हैं। भाई या तो वैदिक दर्शन से काम कर रहे हैं, तांत्रिक दर्शन से काम कर रहे हैं, कौन सी फिलोसफी से काम कर रहे हैं, यहाँ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भारत में सारे के सारे दर्शन हैं कि किस दृष्टि से आप एक चीज़ को देखते हैं, और यहाँ पे हमारे यहाँ हर चीज़ की दृष्टि को स्वीकृति है। आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, आपको भगवान में विश्वास है नहीं है, मुझे सब स्वीकार है। यहाँ पे ये कल्चर है, यहाँ पे यहाँ का जो हमारा जो जो यहाँ जो यू कैन से द फिलोसफी ऑफ द ईस्ट एंड टिबेट, आई एम इंक्लूडिंग टिबेट एंड इंडिया, ऑल ऑफ देम, ये सारा का सारा सोर्स है जहाँ पे, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट हर चीज़ में भगवान ढूंढते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द FM वाला पॉइंट इज कि FM वाला पॉइंट के अंदर अब जिस टाइम अगर मैं हाईएस्ट क्वालिटी संत के पद को प्राप्त हो गया या कुछ भी, दैट आई कैन आई हैव द स्किल कि मुझे इसमें भी इवेंचुअली यही साउंड सुनाई दे रही है, बट मोस्टली मुझे अपने अंदर इवेंचुअली द एंड स्टेज इज दिस, प्राइमरी टीचिंग ऑफ गुरु नानक इज दिस। यहीं पे व्हेन ही केम बैक आफ्टर हिज रियलाइजेशन बैक टू मर्दाना, यही उन्होंने बोला था जी एक ओंकार ही है सब कुछ, मतलब फाइनल, मतलब आई हैव ट्रेवल टू द मोस्ट फार फ्लंग द डीपेस्ट स्टेट दैट माई कॉन्शियसनेस कुड टेक मी टू एंड व्हाट आई रियलाइज इज दिस। और ये तो हमारे यहाँ समझा दिया गया, तो हर चीज में मैंने अलग तरीके से स्ट्राइक करी तो अलग साउंड आ रही। इस साउंड को किसी ऐसी स्ट्राइकिंग व्राइकिंग अनहद बिना किसी स्ट्राइक मारे हुए भी ये साउंड है, वाकई में विश्व में ब्रह्मांड में ये आवाज ही है। तो स्पेस में शायद जाके अगर कोई कभी कोई किसी कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, शायद टू द डीपेस्ट जहाँ से सैजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल मिला है, शायद रफली स्पीकिंग यही आवाज़ आ रही होगी, बट इट वोंट गो एक्सप्रेसली लाइक ओम, वो तो कल्चरल चीज़ है, इट विल गो लाइक ऐसा ऐसा कुछ शायद। तो ये जो चीज़ें हैं अगर जैसे जैसे हम समझते रहते हैं, हाँ खैर इसीलिए मैंने पेज बदला था, देन आई फॉरगॉट कि मैंने किस लिए पेज बदला था। तो ये ऐसी चीज़ें, सो दिस इज लाइक दिस इज वन डॉट, ऐसे ऐसे अलग अलग ऐसे डॉट होंगे और देन यू नो देन परहैप्स वी कैन कनेक्ट दिस, देन इवेंचुअली यू विल फाइंड अ रोड मैप अक्रॉस इंडिया स्पिरिचुअलिटी। सो दिस इज प्राइमरली स्पीकिंग वन डॉट, एंड यस आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओन अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंसेस। आई डोंट नो हाउ दीज वीडियोज डू ऑन यूट्यूब, आई डोंट केयर, वट एवर कीप्स ऑन कमिंग ऑन माई माइंड I'll keep on posting on this channel, because eventually all of these one dots, if it ends up saving your zindagi ka samay, because we are all walking towards our deaths, we have a limited time in this body, in this identity. I mean, you're not going to die, but just that this body has to go, the connection has to get severed off at one point or the other. It can go at a very young age, for example abhi recent jo killing hui thi Sidhu Moosewale ki, और इट कैन यू कैन गो आउट ऑन ओल्ड एज, बट गो यू मस्ट। तो अगर किसी को भी, जस्ट एनी एनी ऑफ यू हुआ द यूथ ऑफ द नेशन दैट इज
students who are getting ready, and they know all of this stuff very clearly, very concisely, and conceptually you are clear on this. At least shayad ek matlab kabhi, you know, if even if I can perhaps aid in improving one odd life, shayad kabhi ye hindustani ya bhartiyon ko bhi confidence aa jayegi yaar ki hamari bhi matlab jo we tend to look down upon ourselves and har cheez mein, क्योंकि शायद ये वाले कभी फंडे कुछ समझ ही नहीं आते हैं, वहीं लगता है सब बकवास है, चलो कनाडा, चलो यूएसए, वो सब भी सही है, बट ये फंडे हैं और ये फंडों को धीरे धीरे आराम से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के समझेंगे एंड देन समझ तो लिया, देन यू नो यू वॉक टूवर्ड रियलाइजिंग इट ऑन योर ओन इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग सम सेंट हु हैज सेड दिस, देन यू हैव टू वर्क ऑन रियलाइजिंग इट ऑन योर ओन. और मुझे लगता है कि जैसे जैसे अगर एक भी डॉट क्लियर हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस चैनल, देन परहैप्स यू हैव अदर डॉट्स एंड देन यू कैन कीप ऑन कनेक्टिंग द डॉट्स एंड देन then life becomes a decent journey, I believe, and all of these dots end up saving you time as well, because ye sab wahi maine pad pad ke baat kar kar ke jo bhi jana samjha, galat bhi ho sakta hai, galat to nahi lekin matlab chote minuscule level pe hoga shayad, iski aur interpretation hongi which I haven't explored, that is again as I am evolving also, so you will also keep evolving and raising your levels in this journey, right? And hopefully this has been of help to you. Wishing you all the very best. Take care. Bye.